हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और हम इसमें कैप्शन क्या होता है, कैसे, क्या मतलब होता है कैप्शन का, ये सब चीजें सीखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन, यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं और यहां से कर देता हूं क्रिएट पर क्लिक। अगर हम ब्लैंक डेटाबेस बना रहे हैं तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है, यानी कि हम अपने खुद के हिसाब से ये डेटाबेस डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर व्यू पे कर दीजिए क्लिक और ये टेबल वन नाम आ रहा है, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी टेबल के नाम से इसे रखता हूं, टेबल वन के ही नाम से, और इसे सेव करके और आगे बढ़ जाता हूं। यहां पर आईडी आ रही है, ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं मैं रोल नंबर, ठीक है, ये कर दिया हमने रोल नंबर। और ये यहां पे ऑटो नंबर आ रहा है, ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, यहां से जाकर के फॉर्मेट में जाकर के और सेटिंग कर सकते हैं, ये कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है। अब यहां पर आएगा स्टूडेंट का नेम, ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं स्टूडेंट नेम, ठीक है, और यहां पे सब्जेक्ट का नाम आएगा या फिर कुछ भी, यहां पर जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो मैं कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पे करता हूं एड्रेस, ठीक है, ये लिख दिया हमने एड्रेस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, यहां एड्रेस की स्पेलिंग हमने जानबूझकर गलत लिखा हुआ है। और यहां से हम, अब देखिए यहां पे फील्ड नेम में हमने एड्रेस की स्पेलिंग जानबूझकर गलत कर दी है, ठीक है। अब यहां पर हमने व्यू पे कर दिया क्लिक, ठीक है, और यहां से ओके कर दिया, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब ये इसी तरीके से दिख रहा है ना, यहां पे देखिए, यहां पे ऐसे ही दिख रहा है ना। अब हम कहां चलते हैं, यहां पर कुछ एंटर करते हैं, कुछ डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करके इसे रिसाइज करके अब यहां एक डेटा एंटर करता हूं राम, और ये एड्रेस इसका जो भी हो वो डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ये कर दिया हमने एंटर, प्रेस किया, नीचे आए और यहां पे टैप करके और श्याम ऐसे करके कुछ डेटा एंटर करा लेता हूं। और यहां पे कर देता हूं मोतीलाल रोड देवरिया, ई कैपिटल कर लेता हूं, डबल क्लिक करके इसे रिसाइज कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि ये जो एड्रेस है ना, हम यहां से सही भी नहीं करना चाहते हैं, ये जो है ना, यहां पर अगर आता हूं मैं डिजाइन व्यू पर तो ये देख सकते हैं, यहां से हम इस एड्रेस को सही नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि यहां से हम, अब मान लीजिए कि आपने फॉर्म भी बना लिया, यहां से फॉर्म पर डायरेक्टली क्लिक कर देता हूं, फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आ चुका है, और यहां से हम डिजाइन व्यू पे जाकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसे डिजाइन व्यू पे ले लेता हूं, और अब हम इसमें क्या करेंगे, कैप्शन चेंज करेंगे। तो कैप्शन चेंज करने का क्या मतलब होता है, जैसे हम यहां पर डिजाइन पे आ जाते हैं और यहां से प्रॉपर्टी शीट पे आ जाएंगे। अब देख लेते हैं इस कैप्शन का क्या मतलब है, क्या है, इसे थोड़ा सा यहां से छोटा कर लेता हूं, ये इतना बड़ा तो हमें चाहिए नहीं। तो यहां पे प्रॉपर्टी शीट पे हम आ चुके हैं और यहां पर एड्रेस यही था ना हमारा, यहां पर जैसे ही आते हैं तो हमें यहां पे ये एड्रेस दिखाई पड़ता है, ये देख रहे हैं, और यहां कैप्शन में आते हैं तो यहां एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही चीज दिखाई पड़ रही है। अब यहां पर आकर के हम इसे चेंज कर सकते हैं, कैसे, यहां पे लिखता हूं AWDREESS, ठीक है, एड्रेस लिख दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ही हम एड्रेस लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और बात करें टेबल की, तो टेबल में ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे फॉर्म में जो है ये एड्रेस जो है चेंज हो गया है, इस तरह से हो गया है। तो कैप्शन का एक ये भी यूज है, ठीक है।